मॉर्निंग बच्चों, आज हम हमारा सामाजिक विज्ञान का पार्ट दो पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास क्या। यहाँ आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इसलिए हम ऐसे पढ़ेंगे हमारे आसपास क्या। ठीक है, तो हम ये चैप्टर में हमें चार चीजें पढ़नी है, जैसे कि पृथ्वी के चार आवरण। ये चार आवरण पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताती हूँ, इन चार चीजों का उद्भव कहाँ से हुआ। तो हम देखते हैं कि हम एक कहानी के तौर पर पढ़ते हैं कि एक ध्वनि नाम की लड़की है जो अपनी मम्मी के साथ घूमने जा रही है। घूमते घूमते उसके मन में एक विचार आया कि मम्मी, ये पृथ्वी का उद्भव कहाँ से हुआ, ये पृथ्वी कहाँ से आई। तो उसकी मम्मी ने आंसर दिया, बेटा हम रोज सूर्य को देखते हैं, सूर्य का भी एक परिवार है जिसे क्या कहते हैं, सौर्यमंडल। क्या कहते हैं, सौर्यमंडल। तो ये जो सौर्यमंडल है, पृथ्वी भी उनमें से, सूर्य के सौर्यमंडल में से उनका एक सदस्य है। कैसे हुई यह दुनिया, कैसे बनी पृथ्वी, का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, इस प्रकार के सवालों के जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। वही पृथ्वी के निर्माण को लेकर विज्ञान का मत अलग है। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती सूरज से निकला एक आग का गोला था और समय के साथ यह ठंडा हो गया, जिसके बाद धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई। आज हम इस वीडियो में इस प्रकार की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक धारणा यह है कि तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स पहले कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर धमाका हुआ। इस कारण बहुत ही बड़ा एक आग का गोला बना, जिसे वर्तमान में हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों के रूप में बदल गए। कई वर्षों के अंतराल के बाद यह कण आपस में जुड़ने लगे और एक समय बाद सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, और इस प्रकार लाखों वर्षों के पश्चात गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगी। इस प्रकार से धरती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हो रहा था। वैज्ञानिक अवधारणा के मुताबिक 4.5 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय पर धरती पर केवल उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान थिया नाम का एक ग्रह धरती की ओर 50 किलोमीटर/सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। यह रफ्तार बंदूक से चलाई गई गोली से 20 गुना अधिक है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकला और साथ ही वह ग्रह पृथ्वी में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद धरती से निकला कचरा गुरुत्वाकर्षण के कारण एक गेंद का रूप बन गया, जिसे हम चांद कहते हैं। इस प्रकार से चांद की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची हुई बाकी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इस चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल थे, जिसे आज हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह समुद्र का पानी इन्हीं चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से निकलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार चट्टानें धरती पर करीब 20 मिलियन वर्षों तक धरती पर गिरती रही, जिस कारण समुद्र के रूप में धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। लगातार इतने पानी के इकट्ठा होने से पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें अधिक सख्त। धरती का अंदरूनी भाग में लावा अब भी अपने उसी रूप में मौजूद था तथा ऊपर का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। वर्तमान में धरती पर मौजूद पानी लाखों वर्ष पहले का है। उस समय चांद के धरती के बेहद करीब था और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर अक्सर तूफान आते थे, और लंबे अंतराल के बाद चांद और धरती की बढ़ती दूरी के कारण तूफान शांत होने लगे। पर पृथ्वी की एक विशेषता मैं आपको बताऊं तो ये है, पृथ्वी एक ऐसी सदस्य में, सारे सौरमंडल के सदस्यों में से पृथ्वी एकमात्र ऐसा सदस्य है जहां पर जीव सृष्टि हुआ। इस चार पहले को कहेंगे हम वातावरण, जीवावरण, जलावरण, मृदावरण। अब हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखते हैं वातावरण, वातावरण अर्थात क्या। तो वातावरण उसे कहते हैं जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा निवास होता है, उसके आसपास का आवरण। आसपास के आवरण में हम कई चीज़ों के ले सकते हैं, जैसे कि हम प्राकृतिक चीज वस्तुओं की, मतलब कि हमारे जो आसपास हमारी जो भी चीज वस्तुएं हमारे साथ रहती हैं, जिसके कारण हमारा जीवन संभव हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, वातावरण। जीवावरण
जहाँ पर मानव निवास करता है उसे क्या कहते हैं, मानव जीवन संभव होता है उसे क्या कहते हैं, जीवावरण। अब जीवावरण में हम अनेक चीजों का लिस्ट, मात्र मानव नहीं, जीव जंतु सभी जहाँ पे निवास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीवावरण। जलावरण, तो जो भाग पृथ्वी के अंदर के भाग जो पानी रूप के रूप में घिरा हुआ है उसे जलावरण कहा जाता है। मृदावरण, मृदावरण अर्थात कि पृथ्वी का ठोस आवरण, जहाँ पर जमीन है जहाँ पर हम निवास करते हैं उसे मृदावरण कहा जाता है। ये जो चार चीज़ें मैंने आपको आज बताई हुई हैं उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में हम विस्तार से हम जानेंगे। आज के लिए इतना, और हमारा आगे का वीडियो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।